हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग भाई पढ़ना स्टार्ट किए थे हाइपर कंजुगेशंस। क्या पढ़ना स्टार्ट किए थे भाई? हाइपर कंजुगेशंस ये चल रहा था ना, हाइपर कंजुगेशंस। ठीक है, चलिए तो हेडिंग नोट कर लीजिए पहले आप, हाइपर कंजुगेशन। या इसी को हम बोलते हैं बेकर नाथन इफेक्ट, बेकर नाथन इफेक्ट। या हम इसी फिर बोलते हैं भाई नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। याद रखेंगे HBN, ये ठीक है, N नॉट M, HBN, H फॉर हाइपर कंजुगेशंस। दूसरा नाम क्या उसका भाई? बेकर नाथन इफेक्ट। तीसरा क्या उसी का? नॉन बॉन्ड रेजोनेंस, नॉन बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, ये जो होता है अनप्रिफर्ड होता है, अनप्रिफर्ड इमेजिनेशन, मतलब अच्छा नहीं है फिर भी मानते हैं, मानने वाला एरियल में होता, मतलब अनप्रिफरेबल है, उतना प्रिफर्स नहीं करता। थोड़ा सा लिख लीजिए, रेजोनेंस इज द हाईली प्रेफर्ड, देखो थोड़ा सा लिख लो, रेजोनेंस इज हाईली प्रेफर्ड, हाईली प्रेफर्ड बिकॉज इन रेजोनेंस, बिकॉज इन रेजोनेंस डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, इन रेजोनेंस डी लोकलाइजेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, डी लोकलाइजेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। ठीक है, वेयर एज इन हाइपर कंजुगेशन, वेयर एज इन हाइपर कंजुगेशन वेयर एज इन हाइपर कंजुगेशन डीलोकलाइजेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, या ऐसे लिखिएगा इन हाइपर कंजुगेशन डीलोकलाइजेशन ऑफ, लाइन चेंज करते हैं, ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। जब हमने रेजोनेंस पढ़ा था तो उसमें आपका क्या डीलोकलाइजेशन हुआ था भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन, वहां आपका जो डीलोकलाइजेशन था वो किसका डीलोकलाइजेशन था? आपका फ्री इलेक्ट्रॉन का, फ्री इलेक्ट्रॉन। वेयर एज इन हाइपर कंजुगेशन डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस विच इज नॉट प्रिफर्ड, विच इज नॉट प्रिफर्ड, विच इज नॉट प्रिफर्ड। ठीक है, कैन बी इजिली शिफ्टेड, नॉट प्रिफर्ड, से नॉट प्रिफर्ड जानते हो क्यों? लिखना तो लिख लो, विच इज नॉट प्रिफर्ड बिकॉज, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कैन नॉट बी इजली शिफ्टेड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैन नॉट, strong bond cannot be easy or easily shifted, cannot be easily shifted, वो easy shift नहीं होता। क्या लिखा आपने भाई? हाइपर कंजुगेशन, या फिर उसी का सेकेंड नाम बेकर नाथन इफेक्ट, या उसी का थर्ड नेम नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस।
अब यहां आपने कहा रेजोनेंस क्या भाई आपका हाईली प्रिफर्ड है बिकॉज उसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस वेयर एज इन हाइपर कंजुगेशन डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस विच इज नॉट प्रिफर्ड बिकॉज सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैन नॉट बी इजली शिफ्टेड सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना वो इजली शिफ्ट नहीं होता नोट करिए इसको जल्दी से तो नोट करो भाई जल्दी नोट करो इसको देखो रेजोनेंस इज हाईली प्रिफर्ड बाय इन रेजोनेंस बाय यह इसको बिकॉज करना अच्छा लगेगा बी बाई सी कर लेना बी बाई सी बिकॉज हो जाएगा और अच्छा लगेगा कि रेजोनेंस इज हाईली प्रिफर्ड बिकॉज इन रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस वेयर एज इन हाइपर कंजुगेशन डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस which is not preferred because sigma bond is strong bond cannot be easily shifted इसको हम इजीली शिफ्ट नहीं कर सकते चलो नेक्स्ट लेवल में इसमें हाइपर कंजुगेशन इज मेनली यूज्ड इन मेनली यूज्ड इन अल्कीन कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल मिली टाइम्स करते हैं इसको भाई अल्कीन में फिर कार्बोकैटायन और सी फ्री रेडिकल ठीक है भाई मिली यूज कहाँ होगा आपका अल्कीन कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल मिली कहाँ होगा भाई अल्कीन कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल एग्जांपल लिखना चाहो देख लो CH2 डबल बॉन्ड CH3 पॉजिटिव चार्ज CH3 फ्री रेडिकल ये क्या है आपका फ्री रेडिकल ठीक है क्या है आपका फ्री रेडिकल ठीक है भाई अब हम इसमें लिखेंगे कि सर ये जो आपका अल्कीन है या फ्री रेडिकल है या फिर जो कार्बोकैटायन हम इसको बोलते हैं एक्टिव सेंटर ये सब क्या है भाई आपका एक्टिव सेंटर और इससे अटैच्ड डायरेक्ट कार्बन कहेंगे सर डायरेक्ट कार्बन अटैच्ड विद एक्टिव सेंटर कॉल्ड अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन एंड दो हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन दिस कार्बन इज कॉल्ड
ईच कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन, ईच कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन, उसको क्या बोलते हैं भाई, अल्फा हाइड्रोजन। वह कार्बन जो एक्टिव सेंटर से अटैच होता है उसे हम क्या बोलेंगे, वह कार्बन जो एक्टिव सेंटर से अटैच है उसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसमें प्रेजेंट हाइड्रोजन को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। और थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, मतलब इसी तरह का इसी कंटिन्यू करेंगे, फॉर हाइपर कंजुगेशन, फॉर हाइपर कंजुगेशन, फॉर हाइपर कंजुगेशन, फॉर हाइपर कंजुगेशन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन शुड बी, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, शुड बी प्रेजेंट। ये पहचानने का तरीका कि फॉर हाइपर कंजुगेशन अल्फा कार्बन, क्या भैया आपका अल्फा कार्बन शुड बी प्रेजेंट होना चाहिए, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो अल्फा कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, जो अल्फा कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, एंड एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, एंड एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, कि सर कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, इतना नोट कीजिए। तो अगर आप सीखेंगे आप नोट करो भाई, इतना जल्दी से ना क्यों भाई, जल्दी नोट करिए, नोट करो जी तरह। लिखो, मेक हाइपर कंजुगेशन, देखो मेक हम सीखेंगे कि सर हाइपर कंजुगेशन होगा कैसे, लिखो मेक हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इन अल्कीन, इन अल्कीन, किसमें भाई अल्कीन, ठीक है। तो अब अगर हम एग्जांपल लेते हैं, पहले CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH, तो यहां पे हम सबसे पहले फोकस करेंगे भाई हाइपर कंजुगेशन के लिए जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, वो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या इंपॉर्टेंट है, अल्फा कार्बन, क्या भाई अल्फा कार्बन, सॉरी एक्टिव सेंटर, ये आपका क्या है एक्टिव सेंटर, ये क्या है आपका एक्टिव सेंटर, ये क्या है आपका एक्टिव सेंटर, और उसके बाद आपने देखा सर अल्फा कार्बन, तो यहां देखो, इसमें देखो, सेकंड में, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका अल्फा कार्बन, जबकि इसमें अल्फा कार्बन नहीं, जबकि इसमें अल्फा कार्बन है, तो सर यहां पे एक्टिव सेंटर है बट अल्फा कार्बन नहीं है, इसलिए इसमें रेजोनेंस नहीं होगा,
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, तो इसमें नहीं होगा, इस पर ऑफ कर देते हैं। हाँ, इसमें होगा क्योंकि अल्फा कार्बन है और इस पर अल्फा एच है। इस पर क्या है? अल्फा एच। ठीक है ना भाई? चलो देखो फिर, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। अब यहां देखो होता क्या है, सी एच 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 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो इसको बोलते क्या हम लोग, ये बोलते सर ये पाई बॉन्ड है। क्या है? पाई बॉन्ड है। इसके रिस्पेक्ट देखो तो ये डैड, इसके रिस्पेक्ट इसको क्या बोलते हैं? डैड। और इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सा बॉन्ड है? ये सिग्मा बॉन्ड है। तो जब भी अगर हम हाइपर कंजुगेशन देखेंगे अल्कीन में, किसमें भाई? अल्कीन में, तब हमें सिग्मा गैप पाई कंजुगेशन मिलना चाहिए। सिग्मा गैप पाई कंजुगेशन मिलना चाहिए। यदि सिग्मा गैप पाई है इन अल्कीन, देन हाइपर कंजुगेशन विल प्रीफर्ड आर पॉसिबल। बट इफ नॉट अल्फा सिग्मा बॉन्ड, देन नॉट पॉसिबल हाइपर कंजुगेशन। तो ये भी देखो पाई बॉन्ड है, इसके रिस्पेक्ट में गैप है, और ये क्या है? सिग्मा। यानी सिग्मा गैप पाई ये आपको कंजुगेशन है, इसको बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। इसको क्या बोलते हैं? हाइपर कंजुगेशन। सिग्मा गैप पाई, सिग्मा गैप पाई। अब देखो होता क्या है, इसको सिंपल में देखते हैं। सी एच टू एच सी एच सी एच। यहां देखो ये जो ग्रुप अटैच है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या है भैया आपका? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब आपने लिखा कि सर जो पाई बॉन्ड होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, और आपने डिफिनेशन से लिखा कि जो पाई बॉन्ड होता है वो अनप्रिफर्ड होता है, क्योंकि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो प्रिफर्ड होता है, हाईली स्ट्रांग होता है। ये बॉन्ड जल्दी शिफ्ट नहीं होता, ये जल्दी शिफ्ट नहीं होगा। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा है, जब इसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा है तो ये इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जब इधर खींचेगा तो जो कार्बन और हाइड्रोजन है तो कार्बन क्या करेगा कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। जब अपने तरफ खींचेगा तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कम होगी, जब कम होगी तो भाई वो ऐसे बन जाएगा, ये H प्लस आयन, ये सी एच टू नेगेटिव चार्ज सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। अब ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए इसका नाम दिए थे, सेकेंड नाम दिए थे नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। और ये देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था बेकर नाथन, बेकर नाथन, इसलिए इसको बोलते हैं बेकर नाथन इफेक्ट। इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है इसलिए बोलते थे नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब ये जो निगेटिव चार्ज है रेजोनेंस स्टेबलाइज हो देगी, और जैसे यहां शिफ्ट करेंगे इस साइड आएगा, इसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच ये बन गया। हम नंबरिंग कर लेते हैं, अल्फा कार्बन का नाम दे देते हैं वन। अब देखो इससे और भी अल्फा कार्बन है, एक है उस पर और भी एच है, उसका देखो क्या होगा। अब अगले वाले को देखते हैं सी एच टू एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। ऐसे ही क्या होगा कि अपना सिग्मा बॉन्ड इसको देगा, ये बॉन्ड कहां से पैदा है इसमें, और जो स्ट्रक्चर बनेगा एच प्लस आयन सी एच टू नेगेटिव सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। और जब शिफ्ट करोगे इसको गैप में ऐसे बनेगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू नेगेटिव चार्ज। ये हाइपर कंजुगेशन होता है किसमें? अल्कीन में। मींस ये जो ग्रुप है वो डोनेटिंग ग्रुप है, इसे इसको बोलेंगे प्लस एच, प्लस एच। अब जैसे इसमें एक और है ना हाइड्रोजन, थ्री हाइड्रोजन थे, टू ये और ये वन, टू प्लस वन थ्री है ना, एक का हमने ऐसे बनाया दूसरे का ऐसे बनाया। अब थर्ड देखो, अगर हम थर्ड बनाना चाहें सी एच टू एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, जब यहां शिफ्ट कर दोगे तो इस साइड आ जाएगा, और जो स्ट्रक्चर बनेगा वो आपका बनेगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू नेगेटिव चार्ज। नोट कर लो भाई, ये अल्कीन में है, किसमें? अल्कीन में।
वन नॉट कर्व से जल्दी सकते हो।